से स्वागत है क्वार्टर्स पे ओपी गाइस आर्डिंग वेल्स गाइस। आज मेरे पास है द ब्रांड न्यू टाटा टियागो आईसीएनजी। टाटा टियागो में भी आपको जो है फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट मिलने लग गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी का डिटेल वॉक अराउंड देने वाला हूँ। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट कौन सी कार या बाइक आप देखना चाहोगे ऑन द चैनल वो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो। बाय द वे मैंने आपको जो टाटा सफारी, टाटा हैरियर, टाटा टिगोर इन सारे कार्स के वीडियोज में आपको दे चुका हूँ। उन सारे वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएंगे। टाटा टिगोर का मैंने आपको माइलेज टेस्ट भी दे दिया है। इस वीडियो के बाद टाटा टियागो का माइलेज टेस्ट भी आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा ऑन द चैनल। बाय द वे मैंने आपके लिए लग्जरी कार्स के भी कवर कर दिया है। मर्सिडीज बेंज ए क्लास, बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज, लैंड रोवर डिफेंडर, ये सारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद द फ्रंट प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपको जो है टाटा का लोगो देखने मिल जाएगा। ट्राई एरो ग्रिल आपको मिलती है। यहाँ पे आपको आगे क्रोम स्ट्रिप देखने के लिए मिल जाएगी। हेडलाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो है कॉम्बिनेशन देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर देखने मिल जाएगा। हेलोजन सेटअप आपको मिलता है। हाई बीम आपकी हेलोजन है, इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है। ये आपका फॉग लाइट है विच इज अगेन अ नॉर्मल हेलोजन बल्ब। यहाँ पे आपको एलईडी डीआरएल आपका देखने के लिए मिल जाता है और इस एंगल से ये गाड़ी कुछ इस तरह की आपको देखने मिल जाएगी। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो 3765 mm की लेंथ आपको मिलती है। ऑलमोस्ट 4 मीटर की ये गाड़ी है और व्हील बेस जो है 2400 mm का आपको व्हील बेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। 5 कलर ऑप्शंस के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है। ये वाला जो आप देख पा रहे हो ये मिडनाइट प्लम कलर ऑप्शन आप देख पा रहे हो। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो डोर हैंडल पे यहाँ पे आपको जो है क्रोम स्ट्रिप देखने मिल जाएगी। पैसिव एंट्री के लिए कोई बटन आपको नहीं मिलता है, आपको चाबी से ही गाड़ी को जो है लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। लॉक के लिए बटन, अनलॉक के लिए बटन है। फॉलो मी हेडलाइट के लिए बटन है और यहाँ पे 2 फिजिकल कीज आपको, ये वाली एक फिजिकल की मिलती है और यहाँ पे ये वाली भी आपको जो है फिजिकल की मिलती है। यहाँ पे फॉलो मी हेडलाइट का बटन मैं आपको जो है वो स्टार्ट करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे तो आपकी जो है हेडलाइट यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टार्ट हो जाती है। मैं फ्रंट से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बटन जैसे आप प्रेस करते हो सो ये जो है आपकी हेडलाइट्स कुछ इस तरह से ऑन हो जाती है। तो अगर आप एक अंधेरे पार्किंग एरिया में हो तो आप बेसिकली जो है लाइट्स को इस तरह से जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइस अब जो है मैं आपको रियर प्रोफाइल दिखाता हूँ, बूट स्पेस देख लेते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट द इंटीरियर एंड द स्पेस एंड द इंजन ऑफ दिस कार। डिज़ाइन के मामले में डेफिनेटली काफ़ी बेहतरीन आपको डिज़ाइन मिलता है। शार्प एंड अट्रैक्टिव लुक्स आपको देखने के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको पीछे जो है टाटा का लोगो, टियागो का बैच, पीछे आपको क्रोम स्ट्रिप आपको मिलती है। रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, यहाँ पे स्पॉयलर्स पैड्स दिए गए हैं और नॉर्मल आपको जो है यहाँ पे हेलोजन बल्ब टेल लाइट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आपको रियर स्पाइन कैमरा, रियर स्पाइन सेंसर्स तो मिलता है लेकिन यहाँ पे कोई बटन नहीं मिलता आपको, ये चाबी से ही आपको जो है इसको अनलॉक करना पड़ेगा। बहुत ही हल्का यहाँ पे पीछे का आपको हुड देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप पेट्रोल टियागो लेंगे तो इसमें आपको मिलता है 242 लीटर्स की बूट स्पेस, लेकिन अगर आप सीएनजी लेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेस नहीं मिलता है, बिल्कुल भी स्पेस यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। यहाँ पे आप जो है घर के छोटे जो सामान के बैग्स होते हैं भाजी वगैरह के वही आप रख पाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे आप जो है वो स्टोरेज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर आपको पार्सल शेल्फ मिलता है तो यहाँ पे कुछ सामान आप जो है छोटे बैग्स आप कैरी कर पाएंगे। यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, चाबी निकाल लेते हैं। आपको जो स्पेयर व्हील मिलता है वो है छोटे साइज का व्हील, 13 इंच का व्हील आपको मिलता है। और बात की जाए आपके मेन टायर साइज की तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 175/65 R14 14 इंच का यहाँ पे आपको जो है अलॉय व्हील मिलता है। डिज़ाइन के ऑनलाइन डेफिनेटली काफ़ी बेहतरीन अलॉय व्हील दिया गया है। गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है, कितना स्पेस मिलता है उसके बारे में डिटेल में बात कर लें। तो ये चाबी जो है यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी और फिर जो है ये गाड़ी किस तरह से आपको वेलकम स्वीप देती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अब मैं आ चुका हूँ इनसाइड द कार। यहाँ पे ये गाड़ी कोई इस तरह से आपको जो है वो वेलकम स्वीप यहाँ पे देती है। और बात की है इसके डैशबोर्ड के बारे में तो ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है, हार्ड टच मटेरियल दिया गया है। यहाँ पे आपको जो आपका एसी वेंट है उस पर क्रोम स्ट्रिप देखने मिल जाती है। पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। स्टेयरिंग व्हील के बारे में बात की है तो यहाँ पे आपको कोई लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलता है, नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील है। फ्लैट बॉटम ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ट्रैक चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन, यहाँ से कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हो। म्यूट के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिल जाता है। स्पीडोमीटर दिखाता है, टैकोमीटर यहाँ पे दिया गया है। 2 फ्यूल गेज आपको मिलता है, पेट्रोल के लिए है, ये वाला सीएनजी के लिए है। यहाँ पे ओडोमीटर रीडिंग आपको दिखाता है, टाइम दिखाता है, टेम्परेचर दिखा देगा और ट्रिप ए और ट्रिप बी दिखा देगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इशू करता है। सीएनजी का माइलेज टेस्ट बहुत ही जल्दी आपको चैनल पे देखने का मिलने वाला है। यहाँ पे आपको हेडलाइट लीवर मिल जाता है, यहाँ पे आपको वाइपर लीवर दिया गया है। 7 इंच की टच स्क्रीन आपको मिलती है। साउंड क्वालिटी के मामले में यहाँ पे हार्मन का आपको जो है
8 स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है। जब आप वॉल्यूम जो है वो कम रखेंगे तो डेफिनेटली जो है साउंड क्वालिटी काफी बेहतरीन है, लेकिन जब आप वॉल्यूम को फुल करते हो तो जो साउंड क्वालिटी है वो उतनी ज्यादा बेहतरीन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। साउंड मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज, आप चेकआउट कर सकते हो, उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे मैं वो वीडियो जो है साउंड क्वालिटी का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेटिंग्स में यहाँ पे व्हीकल सेटअप, ऑडियो सेटअप, फोन सेटअप, वॉल्यूम, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाता है। टच रिस्पॉन्स के मामले में किसी भी तरह की कंप्लेन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कनेक्ट टू ऑटो रिव्स, मेरे फोन का नाम ही मैंने ऑटो रिव्स रख दिया है, तो यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हो फोन डायरेक्टली आप पेयर कर पाएंगे। आप IRA एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कनेक्टेड कार फीचर्स आपको मिलते हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप जो है वो आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पे हजार्ड लाइट के लिए बटन है, यहाँ पे क्रोम रिंग जो है वो काफी बेहतरीन लगती है, यहाँ पे आपके जो वेंट्स है उस पर ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये भी काफी जो है बेहतरीन आपको देखने के मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको मिलता है, यहाँ पे आपको USB पोर्ट दिया गया है, 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट है, लेकिन ये जो है इसका कैप जो है ये निकल चुका है। ये सेम चीज मैंने देखी थी टिगोर में भी, टिगोर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है वो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। टिगोर के वीडियो का लिंक यहाँ पे आपको दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसमें भी सेम ये चीज जो है वो निकल गई थी। तो इसके क्वालिटी पे टाटा मोटर्स को डेफिनेटली काम करने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस आपको देखने मिल जाता है, ये जो है आपका 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स है, कोई इस तरह का जो है क्वालिटी आपको जो है रियर स्पाइन कैमरा से देखने मिल जाते हैं। रियर स्पाइन कैमरे की क्वालिटी डेफिनेटली काफी अच्छी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। यर यू हैव 3 कप होल्डर्स, यहाँ पे भी आप जो है 1 लीटर की बॉटल जो है वो रख पाएंगे। यहाँ पे भी आपको स्पेस मिलता है, यहाँ पे भी स्पेस आपको दिया गया है, यहाँ से आप जो है आपके मिरर्स को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। पावर विंडो के लिए स्विचेस दिए गए हैं, यहाँ पे 0.5 लीटर की बॉटल आप आराम से जो है वो रख सकते हो। ग्लोव बॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्लोव बॉक्स आपको जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। स्टेयरिंग व्हील की बात की तो ये एडजस्टेबल है, यहाँ पे ये जिसे आप देख सकते हो ये आप ऊपर नीचे आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। टेलीस्कोपिक अप्रोच के लिए ये एडजस्टेबल नहीं मिलता है आपको, और इसको लॉक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको कोई भी लाइट नहीं मिलती है, लाइट जो है वो यहाँ पे दी गई है। नॉर्मल IRVM आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सनवाइजर मिलता है टोल रिसीट होल्डर के साथ, यहाँ पे आपको सनवाइजर देखने को मिल जाएगा विथ अ वैनिटी मिरर। हैंडल दिए गए हैं योर एंड योर, ऑब्वियसली ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलता है हैंडल टू होल्ड ऑन टू, एंड आई रियली लव द सीट्स। सो यार एज यू कैन सी यहाँ पे आपको बेसिकली एक ट्राई एरो डिजाइन दिया गया है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स यहाँ पे आपको जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आपको बेसिकली स्टिचिंग जो है वो दी गई है, एंड या दैट्स मच अबाउट इट। सो गाइस आई थिंक मैं सारी चीजें कवर कर ली है अबाउट द एक्सटीरियर इंटीरियर एंड द फीचर्स। अब बात कर लेते हैं सेकेंड रो स्पेस के बारे में, फिर हम लोग जो है इंजन और आपकी जो है CNG टैंक के बारे में भी जो है वो डिटेल में बात जो है वो कर लेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक डेड पेडल भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप पैर जो है वो रख सकते हो अगर आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो तो। सो चाबी निकालते हैं, और ये ऑब्वियसली 2 की आपको मिलते हैं, रिमोट की दी गई है, और ये वाला जो है फिजिकल की आपको मिल जाती है। सेकंड रूम में आप चलते हैं और कितना स्पेस आपको मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जो ड्राइवर सीट है मैंने एडजस्ट कर लिया एज पर माय कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन, यहाँ पे कुछ इतना स्पेस आपको जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। फॉर योर रेफरेंस माई हाइट इज अराउंड 5'6" 5'7", और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आप पेयर सर्च कर सकते हो बिलो ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर सीट। यहाँ पे नी रूम आपको डिसेंट मिलता है, हेड रूम डिसेंट मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और सीट जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, कुशनिंग बहुत ही बेहतरीन है, आप जो है सिंक कर जाते हो इनसाइड द सीट, कितनी सॉफ्ट यहाँ पे सीट आपको मिलती है वो आप देख सकते हो। तो सीट के मामले में काफ़ी बेहतरीन सीट दी गई है। शोल्डर रूम की बात की है तो आप इजीली जो है 2 हेल्दी लोगों को बिठा सकते हो विद अ किड इन द मिडल, या फिर आप जो है मेरे जैसे थिन एंड फिट लोगों को 3 लोगों को यहाँ पे पीछे बिठा पाएंगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, हैंडल मैंने आपको दिखा दिया है। डोर पैड्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो है 0.5 लीटर की बॉटल आप डेफिनेटली यहाँ पे रख पाएंगे। यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल देखने मिल जाता है, पावर विंडो स्विच दिया गया है, एंड या दैट इज मच अबाउट इट। सो गाइस आई थिंक मैं सारी चीजें कवर कर ली है अबाउट द इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स एंड स्पेस ऑफ दिस कार। बाय द वे यहाँ पे आपको एक हम्प मिलता है, लेकिन ये हम्प जो है इट इज अ प्रीटी फ्लैट हम्प, तो मिडिल पैसेंजर को जो है स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे वो पैर रख सकते हैं या फिर यहाँ पे पैर रख सकते हैं और बाहर का व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस अब जो है बात कर लेते हैं अबाउट द इंजन ऑफ दिस कार, और फिर हम लोग जो है इसके गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में बात कर लेंगे। सो इस इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको जो है एक लिवर देखने मिल जाता है, इसको आपको पुल करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो है आपका इंजन बे जो है वो ओपन हो जाता है। सो यहाँ पे आपको बेसिकली देखने के लिए मिल जाता है
1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन, 3 सिलेंडर इंजन है ये बना करके दे देता है 83 पीएस की पावर और 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। जब आप सीएनजी पे इस गाड़ी को चलाएंगे तो ये पावर एंड टॉर्क जो कम हो जाता है, यहाँ पे आपको पावर एंड टॉर्क मिलेगा 73 पीएस और 95 न्यूटन मीटर्स का। पावर एंड टॉर्क के मामले में किसी भी तरह की कमी नहीं है, गाड़ी जो है वो डेफिनेटली आपको पंची फील होती है। सीएनजी पे भी आप जब इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको जो है ये अंडर पावर बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली है, लेकिन रिफाइनमेंट के मामले में बेटर हो सकती थी ये गाड़ी। और वाइब्रेशन जो है वो भी आपको सीट पे फील होता है आगे वाली, और आपके गियर स्टिक पे आपको वाइब्रेशन मिलेंगे, स्टीयरिंग व्हील पे वाइब्रेशन मिलेंगे। तो वाइब्रेशन और आपका जो रिफाइनमेंट है कैबिन के अंदर उसके मामले में डेफिनेटली ये गाड़ी बेटर हो सकती थी मेरे हिसाब से। गियर स्टिक जो है वो काफी स्मूथ शिफ्टिंग दिया गया है, क्लच इज ऑन द लाइटर साइड, और राइड क्वालिटी जो है काफी कंफर्टेबल राइड क्वालिटी आपको मिलती है। स्टीयरिंग व्हील में एक्यूरेसी काफी है, लेकिन जो है स्पीड के साथ स्टीयरिंग व्हील जो है वो वे अप उतना ज्यादा नहीं करता है, सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। अब बात की जाए इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में, तो आपको जो है डिस्क ब्रेक आगे मिलता है, पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है, और सेफ्टी फीचर्स की बात की है तो ड्यूल एयरबैग, ABS, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सेफ्टी फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और सीएनजी टैंक जो इसका मेन एस्पेक्ट है तो 60 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। अगर आप कन्वर्ट करेंगे सीएनजी में तो 10.24 केजी का ये जो है सिलेंडर बनता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप इसमें जो है इस 8 से 8.5 केजी का सीएनजी गैस जो है वो फिलअप कर पाएंगे। सो गाइज आई थिंक मैं सारी चीजें कवर कर ली अबाउट द कार, अब बात कर लेते हैं अबाउट द प्राइसिंग। तो बेस या जो सीएनजी वेरिएंट है 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, एक्सी, एक्सटी, एक्सजी प्लस में अवेलेबल, 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एक्सी की प्राइस है 6,34,900, जबकि ये जो टॉप एंड एक्सजी प्लस ड्यूल टोन वेरिएंट की प्राइस है 7,89,900 रुपीज। सो गाइस आई थिंक मैं सारी चीजें कवर कर ली है अबाउट द टाटा टियागो आई सीएनजी। आई होप कि आपको जो है ये वॉक अराउंड वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियोस के लिए आप बने रह सकते हो ऑन द चैनल। इस वीडियो के बाद आपको टाटा टियागो का माइलेज टेस्ट भी देखने में मिलने वाला है, सो उसके लिए आप बने रह सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन ड्राइव सेफ, राइड सेफ, बाय बाय।